साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। क्या नवाब मलिक जेल से बाहर निकलकर फरार हो जाएंगे? क्या मलिक को बेल मिलते ही वो किसी के हाथ नहीं आएंगे और अफू चक्कर हो जाएंगे? क्या एक दिन की बेल इसी वजह से मांगी जा रही है और क्या नवाब मलिक की अगली प्लानिंग यही है? ये सारे सवाल अब खड़े हो गए उस बयान के बाद, उस आरोप के बाद, उस खुलासे के बाद जो कि मुंबई से आया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि नवाब मलिक बेल के बहाने फरार हो जाएंगे। ये कोशिश हो सकती है और ईडी के साथ मुंबई पुलिस भी कुछ कर नहीं पाएगी और सारे लोग देखते रह जाएंगे, ताकते रह जाएंगे। तो क्या हुआ ऐसा, क्यों हो गया ऐसा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक लंबे समय तक जेल के अंदर रहे और फिलहाल कुर्ला के एक प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं, अपनी सर्जरी करा रहे हैं। हालांकि मलिक को अस्पताल भी रास नहीं आ रहा है। हमने आपको बताया था कि मलिक ने एक दिन के लिए जमानत मांगी और मलिक सिर्फ एक ही दिन के लिए जमानत चाहते हैं। जी हाँ, नवाब मलिक एक दिन के लिए खुली हवा में आना चाहते हैं, खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं और इसकी वजह है राज्यसभा चुनाव। राज्यसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में वोटिंग होनी है और नवाब मलिक उसके वोटर हैं क्योंकि वो विधायक हैं और इस चुनाव में विधायक की वोट डालते हैं। इसी दलील को देते हुए नवाब मलिक ने कहा है कि उन्हें एक दिन के लिए बेल दी जाए, एक दिन के लिए अस्पताल से बाहर छोड़ा जाए, जाने दिया जाए, जमानत दे दी जाए। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है, जो बड़ा आरोप लग रहा है, वो हैरानी भरा है क्योंकि मामला सिर्फ बेल तक नहीं अटका है बल्कि उससे आगे पहुंच गया है। बेल से आगे जेल से फरारी तक पहुंच गया और इसी की आशंका जताई जाने लगी है। असल में नवाब मलिक ने बेल की याचिका दी थी तो इस पर सुनवाई के दौरान ईडी ने इसका विरोध किया और ईडी ने कहा कि वो इस याचिका का विरोध आगे भी करेंगे और साथ ही साथ ईडी की तरफ से पेश हुए सरकारी वकील ने कहा कि उन्हें जवाब देने के लिए 24 घंटे का वक्त चाहिए क्योंकि उनका जवाब तैयार नहीं है और उन्हें जवाब तैयार करने में इतना वक्त लग जाएगा। हालांकि नवाब मलिक की तरफ से पेश हुए वकील अमित देसाई ने कहा कि 24 घंटे का वक्त बहुत ज्यादा है, अगर सरकारी वकील आज ही जवाब देते हैं तो इस पर आज सुनवाई हो सकती है। लेकिन कोर्ट ने सरकारी वकील की ही बात मानी और 7 जून का वक्त तैयारी के लिए दिया, जवाब दाखिल करने के लिए दिया और 8 जून को मामले की सुनवाई हो सकती है जिसमें नवाब मलिक की बेल एप्लीकेशन पर चर्चा होगी। अब यहीं पर तब बड़ा बवाल खड़ा हो गया जब कोर्टरूम से वकीलों के बाहर निकलते ही एडवोकेट संजीव पुनालेकर ने कहा कि हम इस मामले में दखल देना चाहते थे क्योंकि हमें ये बहुत ज्यादा आशंका है और वो आशंका ये है कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख फरार हो सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर मामला अनिल देशमुख और नवाब मलिक का एक साथ चल रहा था, एक साथ दोनों के लिए एप्लीकेशन मांगी गई थी, डाली गई थी और एक साथ अमित देसाई ने दोनों के बारे में बातें की थी कि दोनों को वोट डालने जाना है और इसीलिए दोनों की बात यहाँ पर हो गई। एडवोकेट संजीव पुनालेकर ने कहा कि एक दिन की बेल इसलिए मांगी जा रही हो सकती है ताकि फरार हुआ जा सके और अगर नवाब मलिक और अनिल देशमुख फरार होते हैं तो फिर ईडी के पास मशीनरी है ही नहीं उन्हें जो पकड़ सके, उन्हें वापस ला सके। जी हां, बहुत बड़ी बात एडवोकेट संजीव पुनालेकर ने कह दी कि ईडी उन्हें फिर से वापस नहीं ला पाएगी, वापस से पकड़ नहीं पाएगी। यही नहीं, संजीव पुनालेकर ने आगे और भी बड़ा आरोप लगा दिया और ये तक कह दिया कि अगर ये फरार होते हैं या फिर फरार होने की कोशिश भी करते हैं तो मुंबई पुलिस, यह कहें कि महाराष्ट्र पुलिस भी इसमें कोई मदद नहीं करेगी, सर्च करने में पुलिस की तरफ से मदद नहीं मिलेगी और हमेशा हमेशा के लिए ये लोग फरार हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, इनका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए भले ही वो राज्यसभा वोटिंग के लिए हो, ऐसा संजीव पुनालेकर ने कहा है। अब इसके मुताबिक तो साफ है कि वकील संजीव पुनालेकर ने बड़े आरोप लगा दिए हैं कि एक दिन की बेल वोटिंग के लिए नहीं मांगी जा रही है बल्कि वो सिर्फ इसीलिए मांगी जा रही है ताकि फरार हुआ जा सके, गायब हुआ जा सके। अब ऐसी ये बात ठीक भी है कि अगर किसी भी कंडीशन में या फिर किसी भी तरह से नवाब मलिक या फिर अनिल देशमुख को जेल से बाहर जाना होता है या फिर जेल से बाहर जाने की परमिशन मिलती है और अगर वो फरार होते हैं जो कि पुनालेकर की तरफ से कहा जा रहा है तो फिर उन्हें पकड़ पाना संभव ही नहीं होगा क्योंकि संजीव पुनालेकर ने ईडी को मशीनरी विहीन बताया तो महाराष्ट्र पुलिस का सहयोग नहीं मिलेगा, ये भी साफ कर दिया। अब ऐसे में नवाब मलिक की याचिका पर सुनवाई से पहले ये बहुत बड़ी बात निकल कर आ गई है, मलिक पर बहुत बड़े आरोप लगा दिए। हालांकि आरोपों में कितना दम है, कितने सही आरोप है, कितने गलत हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ आरोप लगाए जरूर गए हैं, आशंका जरूर ऐसी व्यक्त की गई है और अंदाजा लगाया गया है कि अगर ये फरार होते हैं तो फिर इन्हें पकड़ पाना संभव नहीं होगा। अब यहाँ पर मामला भले ही नवाब मलिक के वकील और सरकारी वकील के बीच में चल रहा था लेकिन संजीव पुनालेकर जो कि अलग से इंडिपेंडेंट वकील है वो भी इसमें शामिल हो सकते थे। हालांकि कोर्ट ने उन्हें वहाँ पर परमिट नहीं किया लेकिन हो सकता है कि बेल की सुनवाई के दौरान उन्हें परमिट कर दिया जाए, बोलने के लिए उन्हें इजाजत दे दी जाए तो वहाँ पर हो सकता है कि पुनालेकर कुछ और बातें कह दें।
तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई नवाब मलिक फरार होने की कोशिश कर सकते हैं या फिर नवाब मलिक पर ये आरोप सरासर गलत आरोप लग रहे हैं? आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक 23 फरवरी से अब तक लगातार कभी जेल में, कभी लॉकअप में, तो कभी अस्पताल में रहे हैं, लेकिन हर जगह हालात जेल जैसे ही रहे हैं। और जेल जैसे हालात में ही नवाब मलिक को पिछले 3.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजारना पड़ चुका है। अब आगे भी कितने दिन ऐसे गुजारने पड़ सकते हैं ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब इस बीच बड़ी खबर आई थी कि नवाब मलिक की रिहाई होने वाली है। जी हाँ, स्पेशल रिक्वेस्ट पर नवाब मलिक की रिहाई की खबर आ रही थी और मलिक को जेल से, अब कहें कि जेल जैसी हालात से बाहर निकाला जाना लगभग तय हो गया था। खुली हवा में सांस लेने दिया जाने वाला था, लेकिन इससे पहले ही ईडी ने फिर से मामला फंसा दिया है। तो पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से आपको पहले समझाते हैं, आप भी देखिए। असल में राज्यसभा चुनाव को लेकर नवाब मलिक को जेल से बाहर जाना था और विधानसभा में जाकर वोटिंग करनी थी, और इसमें नवाब मलिक को लेकर उनकी पार्टी एनसीपी ने रिक्वेस्ट दी थी, जिस पर लगभग फैसला होने ही वाला था और मलिक को वोटिंग के लिए बाहर जाने की परमिशन लगभग मिली गई थी। लेकिन एन मौके पर ईडी ने बीच में ही मामला रोक दिया। जी हां, 6 जून के दिन अचानक ईडी ने इस मामले पर और ज्यादा वक्त मांग लिया। ईडी ने साफ कहा कि वो इतनी जल्दी तय नहीं कर सकते हैं कि मलिक को छोड़ा जाए या नहीं छोड़ा जाए, और इसीलिए ईडी ने 24 घंटे का और ज्यादा वक्त मांग लिया इस पर कोर्ट में जवाब देने का। ईडी ने साफ कहा कि वो 24 घंटे बाद ही इस पर जवाब दे पाएंगे और बता पाएंगे कि नवाब मलिक को छोड़ा जाना चाहिए या नहीं छोड़ा जाना चाहिए, और अगर नहीं छोड़ा जाना चाहिए तो फिर क्यों नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्या केस पर इसका असर पड़ेगा, और केस पर असर पड़ेगा तो कितना असर पड़ेगा, ये भी ईडी बताएगी और इसके पक्ष में पूरी दलील भी देगी। अब इसके बाद मामला पूरी तरह से अटक गया, फंस गया, क्योंकि ईडी की परमिशन के बगैर नवाब मलिक को बाहर छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ईडी जांच एजेंसी और पहले भी ईडी कहती रही है कि नवाब मलिक सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को इधर उधर कर सकते हैं, और मलिक को छोड़ने से पहले इसीलिए ईडी की तरफ से ओके नोड होना जरूरी है, जो कि फिलहाल अटक गया है। ईडी ने ओके नोड अभी तक दिया नहीं है। अब 8 जून को मामले की सुनवाई होगी। जी हाँ, पहले 24 घंटे में ईडी बताएगी कि क्या करना है, उसकी तरफ से क्या ग्रीन नोड है या फिर रेड सिग्नल है, तो उसके बाद ही तय होगा 8 जून को कि नवाब मलिक को जेल से बाहर जाने देना है या फिर नहीं जाने देना है। और जैसे अब तक के हालात हैं, जैसा केस दिख रहा है, जैसा ईडी का अब तक का एक्शन रहा है और जैसा ईडी का अंदाज रहा है, उसके हिसाब से तो नवाब मलिक को बाहर आने की परमिशन मिलेगी ऐसा फिलहाल दिखता नहीं है। हाँ, सिर्फ एक ही दिन और वो भी कुछ घंटों के लिए नवाब मलिक को बाहर जाना है, तो हो सकता है ईडी कहीं से कुछ राहत देने की बात कह दे, लेकिन इससे ज्यादा राहत मिलने वाली है नहीं। लेकिन कई बार ऐसे मामलों में एक बार जब आप जेल से बाहर निकल आते हैं तो फिर जेल में वापस जाना भी अक्सर रुक ही जाता है, और सुब्रत राय सहारा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और यही यहां पर ईडी नहीं चाहती है, इसीलिए मामले को रोक रही है। और अब सब कुछ अगले 24 घंटे तय करेंगे कि नवाब मलिक पर ईडी क्या फैसला देती है, और फिर उसके बाद 8 जून को कोर्ट में फैसला होगा। तो आपका क्या मानना है, क्या नवाब मलिक को जेल से बाहर देने की राहत मिल पाएगी या फिर ईडी फिर से नवाब मलिक को बुरी तरह से फंसा देगी और रिहाई को अटका देगी? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।